हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकी। दोस्तों, आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी आप सभी के जीवन में खूब 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 सारी खुशियां लेकर आए। आज हम एक गणेश जी का रंगोली बना रहे हैं और मैं हमेशा स्केच करती हूँ। स्केच करने के बाद में उसमें एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उससे आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जब आप फील करते हो ना तो उसके बाद वो आउटलाइन उभर कर आती है, तो आपको इजीली फीलिंग के ऊपर से जब हम उसको लाइनिंग करते हैं ना तो इजीली पता चलता है कि लाइनिंग कहाँ से करनी है। अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा और हो जाता है। सो आप आउटलाइन कर सकते हैं और स्केच बना के करेंगे तो बहुत अच्छा बनता है। मतलब आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं या पेंसिल या जो भी आपको सुविधा पड़े, तो फिर स्केच करने के बाद में फिर आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेने से क्या होता है कि ये काफ़ी मतलब इजीली फिर बाद में उसके ऊपर से ड्राइंग बन जाती है। तो कोशिश है छोटा सा गणेश बनाने की। आप सबका बहुत बहुत प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और रंगोली को देखिए, इन्जॉय करिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बिल्कुल आपको कुछ भी अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट्स का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी।